दोस्तों यूजीसी के एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग सीयूईटी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था सन 2022 के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटियों ने पार्टिसिपेट किया, प्राइवेट कॉलेजों में पार्टिसिपेट किया, गवर्नमेंट कॉलेजों ने भी पार्टिसिपेट किया। लॉट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा एंट्रेंस एग्जाम, और जो कि इंडिया का पहला सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम बन चुका था, जहां पे जो 15 लाख स्टूडेंट ने एक साथ अप्लाई किया। हालांकि पिछले कुछ दिनों के अंदर जेई मेन जैसे एग्जाम के लिए 18 लाख से भी ज्यादा बच्चे इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के लिए अप्लाई करते थे, लेकिन ये आंकड़ा लगातार घटता जा रहा है और इंजीनियरिंग के अंदर वो आंकड़ा 7 लाख से लेके 8 लाख पर आ चुका है। हालांकि सीयूईटी की बात की जाए तो यहाँ पे बच्चे जो है 14 लाख से लेके 15 लाख स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ा छोल कर रहे हैं। आखिरकार स्टूडेंट को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है सीयूईटी जैसे एग्जामिनेशन के लिए। पिछले कुछ साल की अगर बात की जाए तो एंट्रेंस एग्जाम सेंटर्स के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि कोविड सिचुएशन को अगर देखा जाए तो उन सिचुएशन के कारण बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हुए थे। हालांकि ये देखा जा सकता है कि भी आने वाले भविष्य के अंदर ऐसी समस्याएं ना देखनी पड़े। हालांकि 2023 के अंदर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पर रजिस्टर कर दिए गए हैं। अगर प्राइवेट कॉलेजों की बात की जाए तो उनकी जो रैंकिंग और उनका जो स्पेशल स्टूडेंट फीडबैक जो है ऐड नहीं किया गया, जहाँ पे जो है बहुत सारे कॉलेजेस जिनके हालात ठीक नहीं है, जहाँ पे जो है नॉर्मल स्टूडेंट भी एडमिशन नहीं लेना चाहता, वो भी सीयूईटी के अंदर आगे ऐड हो चुके हैं, जिनके अंदर स्टूडेंट एडमिशन भी नहीं लेना चाहता। आखिरकार सीयूईटी का पर्पज ये था जब यूजीसी ने डिक्लेयर किया था, क्योंकि बहुत सारे टॉप कॉलेजेस जैसे कि डीयू पहले कुछ सालों में अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता था, बीएचयू खुद का कराता था, जामिया अपना खुद का कराता था, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपने खुद के एग्जाम कंडक्ट कराते थे, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट को परेशानियों का सामना करना पड़ता था और वो जो अपने डिजायर इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले पाते या फिर एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते थे। इन सब का सॉल्यूशन निकालने के लिए वन इंडिया वन एग्जाम कंडक्ट किया गया, जहाँ पे जो है बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के अंदर एडमिशन एक ही एग्जाम के अंदर लिया जाता था, जिसका नाम रखा गया सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हालांकि अगर बात की जाए सिलेक्शन रेशियो की, सिलेक्शन रेशियो कॉलेजों में काफी कम देखने को मिल रहा है। सिलेक्शन रेशियो 1% से भी कम है। ऑलमोस्ट 15 लाख स्टूडेंट हर बार सीयूईटी के अंदर पिछले साल फॉर्म फिल किया गया था। हालांकि इस बार और भी ज्यादा स्टूडेंट फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट को लगातार इस कॉलेजों एंड ब्रांचों के बारे में पता चलता जा रहा है। इसके साथ ही बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटियां इस मौके का फायदा उठा रही है, क्योंकि स्टूडेंट का सिलेक्शन रेशियो कम है। स्टूडेंट को अगर किसी अच्छे कॉलेज में सीट नहीं मिलती है तो जो है वो प्राइवेट कॉलेजों के अंदर सीट ले लेते हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की सीटें भर जाती है इसके अंदर। दूसरा प्रॉब्लम ये भी देखा जा सकता है, जैसे ही यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करा देती है, वो स्टूडेंट को सिर्फ एक कागज बना के दे देती है कि आपके जो इतने मार्क्स आए हैं। स्टूडेंट लगातार यूनिवर्सिटियों में भटकता रहता है 4 महीने तक, और उसको जो है कोई अच्छे कॉलेज के बारे में गाइड भी नहीं पता चलता है। आखिरकार उसका एडमिशन होगा कि नहीं, कहाँ पे होगा, या फिर मेरे मार्क्स लाइक है कि नहीं है। बहुत सारे कॉलेज है स्टूडेंट का रिजल्ट आने के बाद फिर से उसे पैसे मांगने लगती है कि आप हमें 500 रुपये दे के रजिस्टर करिए, आप हमें 1000 रुपये दे के रजिस्टर करिए, आप हमें 200 रुपये दे के रजिस्टर करिए। हालांकि वहाँ पे जो है 100 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज हैं एंड सारे कॉलेजेज मिनिमम 250 रुपये चार्ज कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारी गर्ल्स स्टूडेंट के लिए बहुत सारे कॉलेजेज ये सुविधा फ्री भी कर रहे हैं, जिसके कारण स्टूडेंट को अपनी फीस देनी पड़ती है बहुत सारे कॉलेजों को। हालांकि स्टूडेंट ने ऑलरेडी फॉर्म भरते टाइम यूनिवर्सिटी को फीस दे दी थी एग्जाम कंडक्ट कराने की और काउंसलिंग की, लेकिन फिर भी स्टूडेंट से बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, इनफैक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी बच्चों से चार्ज कर रहे हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल फीस है और स्टूडेंट से बहुत ज्यादा फीस ली जा रही है। अगर बात की जाए 2023 की, 2022 के अंदर आप अनलिमिटेड सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते थे सिर्फ 650 रुपये के अंदर। हालांकि इस बार जो है सब्जेक्ट की लिमिट लगा दी गई है 10 सब्जेक्ट तक, और आपको जो पे करना है वो है 1750 रुपये। हालांकि बहुत सारी कैटेगरीज के लिए इसको 1500 और 1650 रुपये भी रखा गया है।
इसके साथ ही स्टूडेंट को और भी ये समस्याएं देखने को मिलती है। हालांकि ये सब्जेक्ट क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट अगर साइंस स्टडी से कर रहे हैं या फिर वो कॉमर्स से कर रहे हैं या फिर वो मैथमेटिक्स से कर रहे हैं या फिर वो किसी भी अदर स्टडी से कर रहे हैं, जिस भी ब्रांच में उनको एडमिशन लेना है उस फील्ड का उनको टेस्ट देना होता है सीयूईटी की वेबसाइट पे। सीयूईटी की वेबसाइट की अगर बात की जाए तो सीयूईटी की वेबसाइट पे कुछ विषयों पर निर्भर करता है, जैसा कि यहाँ पे आपको लिया जाता है डोमेन टेस्ट लिया जाता है आपका, एक आपका जनरल टेस्ट लिया जाता है और एक आपका लैंग्वेज टेस्ट लिया जाता है। इस प्रकार से आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। जैसा कि अगर आप बीटेक जैसे कोर्सेज करना चाहते हैं तो आपके लिए अलग अलग होते हैं, जैसा कि आपको एक फिजिक्स का टेस्ट देना पड़ेगा, आपको एक केमिस्ट्री का और आपको एक मैथमेटिक्स का। इसके साथ ही अगर आप बायोलॉजी जैसे कोर्सेज में लेना चाहते हैं तो आपको अपनी फील्ड के टेस्ट देने पड़ते हैं जो कि वहाँ पे आपकी फील्ड के लिए अनिवार्य। ये सब्जेक्ट आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं वहाँ पे क्या क्या रिक्वायर्ड है। हालांकि बहुत सारे कॉलेज है जैसे कि फार्मेसी के लिए अगर बात की जाए तो वहाँ पे आपका जनरल टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट एंड आपके बहुत सारे डोमेन टेस्ट भी रिक्वायर्ड होते हैं। हालांकि यहाँ पे जो लिमिट है वो 10 तक लगा दी गई है। इसके साथ इसके जो प्राइजेज है वो भी बढ़ा दिए गए। स्टूडेंट को सबसे बड़ी समस्या ये आती है एग्जाम टेस्ट देने के बाद में आखिरकार किन किन कॉलेजों में अप्लाई करें। अगर वो सब कॉलेजों में भी अप्लाई कर दे तो उसको जो है बहुत सारे पैसे कॉलेजों को देने पड़ते हैं और कॉलेजेज वो पैसे वापिस नहीं करते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो है जिनके रिव्यूज काफी ठीक नहीं है वो भी आके रजिस्टर हो चुके हैं। तो फिर सीयूईटी जैसे एग्जाम का फायदा क्या हुआ? हालांकि स्टूडेंट का मेन मोटिव यही था कि उनको जो है एक टेस्ट देके बहुत सारे अच्छे कॉलेजों में एडमिशन लेना पड़े, लेकिन उसी टेस्ट से प्राइवेट कॉलेज एडमिशन ले रहे हैं और उसी कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेजेस एडमिशन ले रहे हैं। हालांकि इस बार बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस भी यहाँ पे रजिस्टर हो चुके हैं। अगर कुछ बड़े प्राइवेट कॉलेजों की बात की जाए तो यहाँ पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी एंड मेनी मेनी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस, बहुत सारे छोटे शहरों के कॉलेजेस भी यहाँ पे आके रजिस्टर हो चुके हैं। आपसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका अपना भविष्य है, आप जो है अच्छा कॉलेज चूज करके उसे जरूर से बनाइएगा। आप हमारी एडवाइस आपके साथ हमेशा रहेगी, इसलिए आप collegejankar.com पे विजिट करते रहें या फिर आप हमारे काउंसलर से मिल सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।